सर्वोच्च अदालत के फैसले से डीम्ड यूनिवर्सिटी से पिछले 16 साल में पत्राचार से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले हजारों छात्रों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को अमान्य घोषित कर दिया है। इसके बाद इन सर्टिफिकेट्स के दम पर नौकरी हासिल करने वालों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जस्टिस AK गोयल और UU ललित की बेंच ने पाया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पत्राचार की पढ़ाई को मान्यता नहीं दी थी। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों को दी गई मान्यता गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी पर नजर रखने के लिए तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि UGC शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक पाने में पूरी तरह असफल रहा है। सर्वोच्च अदालत ने पत्राचार कोर्स की मान्यता को लेकर दाखिल हुई कई याचिकाओं पर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को AICTE की अनुमति के बिना पत्राचार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही CBI को उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने को कहा है जिन्होंने 2001 से इन विश्वविद्यालयों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने की इजाजत दी थी। इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा को पत्राचार माध्यम से करने की मंजूरी दी थी। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिन्हें तकनीकी कोर्स कहा जाता है और इन्हें पत्राचार से पढ़ाने के माध्यम पर रोक लगा दी गई है। देश में तकनीकी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE से मंजूरी लेना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।